आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी भी कला विधा से जुड़ सकते हैं, आप बेहतर गा सकते हैं, नाटक बेहतर कर सकते हैं, आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, आप विचार से जुड़े, सृजन से जुड़े, सोच से जुड़े, बाजार के हाथ की कठपुतली ना बने, ये बहुत जरूरी है। आप सब युवा विद्यार्थियों को मैं सलाम करता हूं और दो तीन छोटी छोटी कविताएं अपने इस छोटी सी भूमिका के साथ प्रस्तुत करता हूं। पहली कविता का शीर्षक है, कविता विचार और संवेदना का एक सार्थक हस्तक्षेप होता है। जैसे मैं कह रहा था, बहुत सारी भ्रांतियां भी होती है, मैं बच्चों से भी मुखातिब हूं, बहुत सारी बोलते कविता पता नहीं कुछ बड़े मुश्किल से शब्दों में कुछ ढाल मेल सा होता है, उसको कविता कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आप सोचते हैं, जो आप विचार करते हैं, जो आपके मन में बहुत खराब और बहुत अच्छी स्थितियों को देखकर जो आपके मन में हलचल पैदा होती है, कौन पैदा होती है, वो कविता होती है। कोई बहुत जरूरी नहीं है कि उसके लिए कोई बड़ी कलिष्ठ भाषा, कोई बड़ा कोई ढाल मेल सा किया जाए, कोई बड़ा पांडित्य प्रदर्शन किया जाए। आप जरूर सोचें, आप जरूर लिखें, आप सब कवि। इसी निवेदन के साथ एक छोटी सी कविता, शीर्षक है सुना नहीं, क्योंकि नए बच्चों के बीच में कविता पढ़ रहा हूं तो थोड़ी सी व्याख्या के साथ। सुना नहीं, आप फूल को देखते हैं, सब देखते हैं, उस पर एक छोटा सा बिंब है, उसको जो हमारे इस तरफ बैठे हुए विद्वान लोग हैं वो मेटाफर की तरह भी लेंगे और जो उस तरफ बैठे हैं उसको उस तरह से भी लेंगे। आपने फूल को देखा, फूल को सूंघा, खूब सराहा। फूल को देखने का, फूल एक प्रतीक भी है, हमारी दृष्टि ऐसी होती है, कुछ कुछ सामंती जैसी। आपने फूल को देखा, फूल को सूंघा, खूब सराहा, पर सुना नहीं उसे। आगे से जब आप फूल को देखें तो उसको सुनेंगे, हर एक फूल कुछ कहता भी होगा, फूल का मतलब वही नहीं है जो खिलता है। आपने फूल को देखा, फूल को सूंघा, खूब सराहा, पर सुना नहीं उसे, वरना कहां होता इस तरह भी सोचना कि फूल को भी नोचना, गमले में रख लेना। आपने फूल को देखा, फूल को सूंघा, खूब सराहा, पर सुना नहीं उसे, वरना कहां होता इस तरह भी सोचना कि फूल को भी नोचना। दूसरी कविता छोटी सी, शीर्षक है खिलौनों में। कि ताज्जुब कि बच्चों के खिलौनों में घुस आए हैं, तील, तीर, तलवार, बंदूकें, स्टेन गन, कितने हथियार। ताज्जुब कि बच्चों के खिलौनों में घुस आए हैं, तीर, तलवार, बंदूकें, स्टेन गन, कितने ही हथियार। इससे भी अधिक ताज्जुब कि नहीं कोई औजार। क्या बात, इससे भी ताज्जुब कि नहीं कोई औजार। और आखिरी, अभी नए वर्ष का जिक्र हो रहा था, हम लोग नए वर्ष से 10-12 रोज की दूरी पर हैं, तो कुछ बिंब उस शैली में, जिस शैली में अक्सर मैं नहीं लिखता हूं, थोड़ा सा छंद कहें उसको, उस शैली में बहुत कम लोगों ने मुझे सुना होगा। क्या सबके लिए नववर्ष नरेश देव जी ने भी कहा कैसे आना चाहिए, मैं किस तरह से सोचता हूं, कुछ बिंब आपके सामने रख रहा हूं। शीर्षक है, यू आई नववर्ष।